एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा आज हम क्या करेंगे। आज मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव DIY फेस मास्क बनाकर दिखाऊंगी, विच इज स्पेशली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एक्ने। सो ये एक पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड मास्क है। जब मेरे को एक्ने होता था, बहुत सिवियर एक्ने होता था, तो ये मास्क मैं बहुत बार लगाती थी, काफ़ी रेगुलरली लगाती थी, एंड इट केम आउट टू बी रियली नाइस फॉर माय स्किन। एंड आपको पता ही है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ, दे आर वेरी सेफ एंड ऑर्गेनिक एंड वेरी सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो होपफुली आप सबकी स्किन पर काम करेगा। एंड ये फेस मास्क सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके प्रेजेंटली अभी फेस पर एक्ने है, ये उन सबके लिए काम करेगा जिनकी इन जनरल एक्ने प्रोन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, एंड जिनके फेस पे एक्ने स्कार्स, ब्लेमिशेस एंड अदर यू नो काइंड ऑफ निशान है उनके फेस पे, सबके लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सो इसके लिए चाहिए हमें एक बोल। Obviously, the first and most important ingredient for our face mask is हल्दी, टर्मरिक। नाउ आई नो ये बहुत कम लग रहा है, एक्चुअली मेरे को मम्मी ना राशन करके देती है, क्योंकि वो मेरे को जितना ज़्यादा देंगी मैं सारा यूज़ कर लूँगी, तो मेरे को लिमिट में सामान मिलता है। सो येस, आर फर्स्ट इंग्रीडियंट इज हल्दी। सो टर्मरिक इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर एक्ने। लाइक इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है। व्हेन एक्ने की वजह से फेस एकदम रेड होके ऐसे सूज जाता है एंड जलता है, तो उसको ये ठीक करता है। एंड व्हेन इन जनरल सन में बाहर जाने से या कभी भी रेडनेस एंड बर्निंग एंड इचिंग एंड इरिटेशन होती है, उसको हमारी स्किन को सूद करता है, काम करता है। एंड यू नो स्पेशली जब फ्लेकी ड्राई एक्ने होता है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। एंड इवन एक्ने के बाद भी अगर कोई स्कार्स, मार्क्स कुछ भी हो जाए, तो उसको बहुत जल्दी बहुत इफेक्टिव वे में कम करता है। सो इट इज़ रियली रियली गुड, स्पेशली फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन तो बहुत ही अच्छा है। बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन ऑल्सो यू कैन यूज़ इट। उसमें बस ये होगा कि आप फेस मास्क में टर्मरिक थोड़ा कम डालोगे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, एंड अगर ड्राई है देन यू पुट अ लिटिल बिट मोर, बट इट इज़ रियली इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। सो आई एम गोना पुट थोड़ा सा टर्मरिक इन माई बोल। नाउ इसके कोई मेजरमेंट्स नहीं है, लाइक आई सेड, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा कम डालोगे, ड्राई है तो थोड़ा ज़्यादा डालोगे। सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी मेजरमेंट्स। और नेक्स्ट इंग्रीडियंट फॉर दिस फेस मास्क इज़ हनी। नाउ हनी हैज़ ऑलमोस्ट द सेम प्रॉपर्टीज़ लाइक टर्मरिक। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर स्किन। इट हैज़ स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड एक्ने के लिए यू नो इट रियली रियली सूद्स रेड इरिटेटेड एंड जो जलने वाली स्किन होती है उसको बहुत सूद एंड काम डाउन करता है। एंड इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, प्लस इट ऑल्सो वर्क्स रियली नाइस विद ब्लेमिशेस, मार्क्स, स्कार्स, इन सबको भी कम करता है। एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आपके पास रॉ हनी हो तो वो यूज़ करो, लाइक नथिंग बेटर दैन रॉ हनी। बट आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट एज कम्पेयर टू दीज ब्रांडेड हनीज, बट ये भी काम कर जाती है। डू इंक्लूड इट इन योर फेस मास्क, दिस इज़ रियली नाइस। एंड अगेन आपको फिर अपनी स्किन का देखना पड़ेगा, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन यू पुट अ लिटिल मोर, एंड इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन यू पुट अ लिटिल लेस। सो देर इज़ नो डेफिनेट मेजरमेंट, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू वॉट इज़ योर स्किन टाइप। सो आई एड अ लिटिल बिट ऑफ हनी नाउ। नाउ आवर लास्ट इंग्रेडिएंट फॉर दिस फेस मास्क इज़ मिल्क। मिल्क आपने देखा होगा मैं ऑलमोस्ट अपने हर फेस मास्क में यूज़ कर रही होती हूँ, बिकॉज इट इज़ सो सो गुड फॉर द स्किन। इट्स लाइक अ नेचुरल मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन। एंड मिल्क ड्राई, फ्लेकी, इची, सेंसिटिव, रेडनेस जब स्किन पे आती है उसके लिए तो बेस्ट है। यू नो व्हेन आप ठंडा ठंडा मिल्क लगाते हो अपने फेस पे, इट इज़ रियली सूदिंग एंड कामिंग फॉर योर स्किन। प्लस इट हैज़ स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़, एंड अगर फेस पे आप कोई डिसकलरेशन है, एक्ने, मार्क्स, एक्ने स्कार्स, उन सबको ठीक करता है। एंड ये डेड डैमेज्ड स्किन
स्किन सेल्स को भी रिप्लेस करता है, उनको जल्दी रिमूव करता है एंड रिप्लेस करता है न्यू एंड बेटर सेल्स से. सो दैट इज़ आवर मिल्क हियर एंड इट इज़ रियली रियली नाइस. मिल्क आप पियो या मत पियो, लाइक मैं तो मिल्क पीती नहीं हूँ, सिर्फ लगाती हूँ. सो पियो या ना पियो से फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक फॉर फ़र्क पड़ता है, बट अप्लाइड ऑन योर स्किन ऑल्सो. एंड मिल्क ऑल्दो एज अ इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल मॉइस्चराइजर एंड इट्स रियली गुड फॉर ड्राई स्किन, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑयली स्किन पर लगाओगे तो आपकी और ऑयली हो जाएगी या कुछ हो जाएगा. मिल्क इज़ लाइक, इसको आप कितना भी लगा लो किसी भी स्किन टाइप पे, इट विल वर्क अमेजिंगली. सो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट या अमाउंट नहीं है, आप कितना भी लगाओ इट वॉन्ट हार्म यू. सो आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ मिल्क ऑल्सो एंड नाउ ये हमारा मिक्सचर है. सो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे. एंड अब इसको फाइनली अप्लाई करेंगे. मुझे फेस मास्क लगाना बहुत पसंद है, मेरे को बहुत सैटिस्फाइंग लगता है. ओके सो मैंने ये लगा लिया एंड अब वेट करना है इसके ड्राई होने का. आई गेस इसको अराउंड 10-15 मिनट्स लगेंगे ड्राई होने में. अगेन डिपेंड करता है, अगर आपने ज़्यादा मिल्क एंड हनी डाला, लाइक आपका ज़्यादा लिक्विड है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड अगर आपका गाढ़ा गाढ़ा सा थिक से है तो कम टाइम लगेगा. तो आई गेस इसको 10 मिनट लगने चाहिए, बट लेट्स सी. एंड तब तक जब आप ये लगा के वेट कर रहे होगे इसके ड्राई करने का, आई वुड सजेस्ट कि आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो. थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, यू नो, स्टॉक कर लो मेरे को, एंड पसंद आए तो मेरे को फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम पे. उस पर भी मैं वीडियोस डालती हूँ स्किन केयर एंड मेकअप की. सो यू डू दैट राइट नाउ. ओके सो इट हैज़ बिन 10 मिनट्स एंड दिस इज रियली ड्राई नाउ. सो आई एम गोना गो एंड वॉश इट विद कोल्ड वाटर एंड इट्स गोना बी सो कूल एंड सो रिफ्रेशिंग ऑन माई फेस. आई कैन ऑलरेडी फील इट राइट नाउ. वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज कि हल्दी टर्मरिक का कलर इज वेरी प्रोमिनेंट, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन, तो बहुत जल्दी इसका कलर चढ़ जाता है. लाइक मैंने 10 मिनट के लिए लगाया एंड माई फेस इज ऑल येलो नाउ, एंड मैंने सिर्फ 1 मिनट लगाएगा फेस धोने में एंड माई हैंड इज येलो नाउ. सो आपको मे बी 2-3 बार अपना फेस वॉश करना पड़े टू गेट रिड ऑफ दिस येलो कलर एंड गेट बैक टू योर नॉर्मल फेस कलर. सो अभी मैंने एक ही बार फेस धोया एंड आई एम गोना गो अगेन एंड वॉश इट लाइक 2-3 टाइम्स जब तक मेरा नॉर्मल फेस कलर नहीं आ जाता. सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल फेस मास्क. ओके सो मैंने एक और बार अपना फेस वॉश कर लिया एंड ऑलमोस्ट निकल गया है, बट स्टिल एक लेयर, एक पतली सी लेयर ऑलरेडी रहती है, बट आई एम नॉट गोना वॉश इट बिकॉज घर पे ही रहना है मैंने, कहीं बाहर नहीं निकलना. एंड एज लॉन्ग एज इट इज़ येलो, इट मीन्स कि हल्दी का कुछ प्रॉपर्टी और कुछ हमारे फेस पे है अभी तक, एंड दैट इज़ नेवर बैड. सो आई एम गोना लीव इट लाइक दिस, बट अगर आपको कहीं जाना है, आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो, 2 वॉश में निकल जाएगा, नॉट अ बिग डील, बट आई एम गोना लीव इट लाइक दिस. एंड या दिस वॉज आवर हल्दी फेस मास्क एंड ग्लो आया है फेस पे थोड़ा सा. लाइक आई सेड इट्स अ स्किन ब्राइटनिंग मास्क ऑल्सो, सो यू कैन सी देयर इज अ लिटिल ग्लो ऑन माई फेस. या एंड एक ही बार लगाने पे, 10 मिनट के लगाने पे थोड़ा सा ग्लो आ चुका है. सो जस्ट इमेजिन अगर आप इसको रेगुलरली लगाओगे, लाइक मे बी वीक या 2 वीक्स में एक बार लगाओगे एंड यू विल कंटिन्यू इट फॉर अ फ्यू मंथ. सो इट्स गोना बी रियली रियली नाइस फॉर योर फेस, इट्स गोना बी रियली इफेक्टिव, ट्रस्ट मी. आपने आप मेरे को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, 2 साल से देखते आ रहे हो, यू नो हाउ माई स्किन वॉज एंड हाउ माई स्किन इज राइट नाउ. सो इट इज़ रियली गुड, सो प्लीज़ ट्राई इट आउट. एंड वन मोर थिंग, आपने नोटिस करा होगा कि जो मेरी स्किन केयर लाइक फेस मास्क, DIY फेस पैक्स जो मैं बनाती हूँ, उनमें हनी एंड मिल्क इज़ लाइक इन एवरी थिंग, इज़ लाइक इन एवरी मास्क, बिकॉज दे आर सो सो गुड. इट्स ऑलवेज कि मेरे हर फेस मास्क में एक मेजर हीरो इंग्रेडिएंट होता है जो चेंज होता रहता है एंड बाकी के इंग्रेडिएंट्स आर सेम. सो इफ़ यू वॉच माय वीडियोस, तो आप अपना खुद का फेस मास्क बना सकते हो
उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स मैच करके अपने हिसाब से, बिकॉज मैं हर इंग्रेडिएंट के बेनिफिट्स भी बताती हूँ, सो जो आपके लिए एप्लीकेबल है तब उनको इकट्ठा करके मिक्स करके यू कैन मेक योर ओन फेस मास्क. एंड इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैंने दिमाग में आई, आई एम थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो इन माई दिस स्किन केयर रूटीन. अगेन द इंग्रीडियंट्स विल बी ऑर्गेनिक, ईजिली अवेलेबल इन योर किचन, सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट. सो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज अगर आपको ज़रूरत होएगी, इफ़ यू हैव एनी इशूज़ लाइक एक्ने, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, टैनिंग, बर्न्स, स्कार्स, वट एवर, आई कैन मेक स्किन केयर वीडियोज ऑन दैट एंड आई कैन इंट्रोड्यूस न्यू इंग्रीडियंट्स ताकि आपको और वेराइटी मिले और डिफरेंट डिफरेंट फेस मास्क आप बना सको खुद के लिए. सो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट कर देना, DM कर देना, ईमेल कर देना, कुछ भी कर देना. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, अगेन रिमाइंडर कर देना फॉलो. एंड या डोंट फॉरगेट, मुझे याद करना पड़ता है. ओके, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप अगर आपको पसंद आई हो एंड अगर आपको हेल्प करी हो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हाई, वेलकम टू माई स्मॉल लिटिल फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. एंड येस, विद दैट सेड, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.